पंजाब सरकार ने भलके 17 अप्रैल में रिलीज़ होने वाली फिल्म नानक शाह फकीर के प्रदर्शन से रोक लगा दी है। पंजाब में हुण फिल्म 2 महीनों के लिए किसी भी सिनेमाघर या मल्टीप्लैक्स में प्रदर्शित नहीं होगी। फिल्म से रोक की मांग को लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वख-वख सिख जथेबंदियों वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्हों का कहना है कि गुरु नानक देव जी को मनुखी जामे में दिखाया गया, जबकि सिख धर्म में किसी भी गुरु को मनुखी रूप में दिखाना वर्जित है। पंजाब सरकार वालों कुछ महीनों अंदर दूजी बार किसी विवादित फिल्म के प्रदर्शन से रोक लगाई गई है। इस तो पहला डेरा सिरसा मुखी की भूमिका वाली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड से रोक लगाई गई सी। खबरों की दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।